अरे हाँ शर्मा जी, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ ठीक ठीक। दीदी दीदी दीदी, अपने हाथ दो और राखी बांधना है। अच्छा। अरे चिंकी सुन तो, देखो ना दीदी, सुबह से परेशान करके रखा है कि पहले राखी बांधूंगी तो चिंगारी दीदी को ही बांधूंगी, भैया को भी बाद में बांधूंगी, अब आप ही समझाओ इसे। अच्छा बेटा, ये जिद करके बैठी है। चल ठीक है, बांध ले मुझे राखी। लो, अब आरती उतारो। अब टीका लगाओ ऐसे, ये वाली इंग्लिश पे, इस वाली इंग्लिश पे, ऐसे ऐसे। अब ये मीठा खिलाओ। मिठाई चिंगारी दीदी खिलाएगी सबसे पहले, वो भी अपनी गुड़िया रानी को। अब बैठा लेता हूँ। अच्छा ऐसे भी चाहिए? अरे दीदी रहने दो ना, मैं दे दूंगा। अरे नहीं भाई साहब, ये मेरी बहन है और राखी ऐसे खाली हाथ थोड़ी बांधा जाता है, हमेशा खुश रहे। दीदी आपको राखी बांध दिया ना, आप मेरी रक्षा करोगे? हाँ मेरी बच्ची, मैं आपकी भी रक्षा करूंगी। मैं समाज की हर लड़कियों की रक्षा करती हूँ और आप भी मेरे समाज का हिस्सा हो, मेरी बहन हो ना। आपने मेरी राखी बांध दी है ना, मैं जरूर अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगी आपकी। ठीक है ठीक है, मेरा बेटा चले अब। हाँ। भाई को भी तो राखी बांधनी है। अच्छा दीदी ठीक है, चलते हैं। नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन। अच्छा चलो। वाह इस बच्ची ने तो आज मेरा पूरा दिन ही मना दिया, आज रक्षाबंधन का। बहुत खुशी मिलती है, और कौन कहता है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं। अरे यही बच्चे तो मेरे सब हैं, ये पूरी दुनिया, ये समाज, ये सिर्फ चिंगारी की तो है, चिंगारी की है। अरे हाँ शर्मा जी, बस बस निकल गई। हाँ 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 जी शर्मा जी, अरे हाँ हाँ निकल चुकी हूँ। अरे खीर पूरी तो आपके घर पे ही खाना है। हाँ हाँ, अरे रक्षाबंधन के दिन तो यही ना खाया जाता है। बस बस पहुंचने वाली हूँ। भाई भाई तू आ गया, भाई तू कहाँ चला गया था? भाई मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तू तो कहाँ चला गया था? हाँ कौन हो तुम और मेरे भाई कहाँ है? कौन हो तुम? अरे अरे बेटा चल अंदर चल चल। चिंगारी जी माफ कर दीजिएगा, ये मेरी बेटी है। चल बेटा अंदर चल चल, मेरे भाई कहाँ है? अंदर चल, अंदर चल बेटा, चल बेटा। ऐसा क्या हो गया जो इसने अपनी ऐसी हालत कर रखी है? शांत हो जा। चिंगारी जी आपको कैसे बताऊं? कुछ दिन पहले आपको तो पता ही होगा हमारे हिंदुस्तान की दुश्मन देश से जंग छिड़ गई थी। उस जंग में मेरा जांबाज बेटा और इसका प्यारा दुलारा भाई भी गया था। अच्छा बाबूजी मैं चलता हूँ, प्रणाम। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और भारत माता की सेवा अच्छे से करना। बिल्कुल बाबूजी। और एक बात और, हमारे भारत माता पे जो भी दुश्मन कंती नजर डाले उसको जिंदा मत छोड़ना, खत्म कर देना। बिल्कुल बाबूजी, ऐसा ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने सीने पर गोली ही खाना पड़े, लेकिन कोई दुश्मन बच के नहीं जा पाएगा। क्या आप दोनों भी यहीं पर बॉर्डर लड़ाई झगड़ा सब यहीं पर लेके आ गए हो? अच्छा ठीक है, तुम भी पापा जी का ध्यान रखना, उनको टाइम से दवाई देते रहना। अच्छा वो सिर्फ तुम्हारे पापा है, मेरे नहीं। तुम्हारी पापा जी हैं, ठीक है। और बाबूजी शादी करो इसकी, कब तक घर में रहेगी? हाँ मैं तुम पे बोझ हो गई क्या भैया? अरे बहनें भी कभी बोझ होती है भाई के ऊपर, ऐसी बातें करती है। ठीक है बाबूजी। भैया थोड़े दिन और रुक जाते, 2 महीने बाद रक्षाबंधन भी है।
बॉर्डर पर जंग छिड़ चुकी है, मुझे जाना होगा। भैया रक्षाबंधन पे जरूर आना। बिल्कुल जरूर आऊंगा। भूलना मत, मैं इंतजार करूंगी आपका। हाँ जरूर आऊंगा। ठीक बाबूजी। और कुछ दिन के बाद बॉर्डर से एक फोन आया कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हो गया, और उस दिन तो रक्षाबंधन भी था। मेरी बेटी सुबह से ताली लेकर के बैठी थी कब उसका भाई आएगा और उसको राखी बांधेगी। इस बेचारी को सदमा लग गया। अरे मैं तो जैसे तैसे रो के अपना गम हल्का कर लेता हूँ, लेकिन ये पगली मानो को तैयार ही नहीं है कि इसका भाई देश के लिए शहीद हो गया है। इसको माफ कर दीजिएगा चिंगारी जी, इसको माफ कर दीजिएगा, इसने अनजाने में ऐसा कर दिया। क्योंकि रक्षाबंधन को ये दरवाजे में ऐसे ही बैठ जाती हो और ताली लेके जो आता है जो जाता है उसको अपना भाई समझ के राखी बांधने लगती है। अरे तू तो पगली क्यों नहीं समझती है, तेरा भाई अब कभी नहीं आएगा। माफ कर दीजिएगा चिंगारी जी, माफ। अनजाने में ऐसे ही, लेकिन इसने सही कलाई पर राखी बांध दी है। बहन एक भाई शहीद हो गया तो क्या हुआ, हरे देश के सारे सिपाही तेरे भाई है, और तूने चिंगारी को राखी बांध दी है ना। ऐसे भाई का फर्ज है चिंगारी अदा करेगी। तू मुझे अपना भाई भी बोल सकती है और अपनी बहन भी, और ये चिंगारी ना इस राखी का फर्ज पूरा अदा करेगी, तेरी हमेशा रक्षा करेगी बहन, हमेशा रक्षा करेगी, हमेशा रक्षा करेगी बेटा, हमेशा रक्षा करेगी। चुप हो जा बेटा। अरे ये धरती हमारी माँ है, और देश के सारे वीर सिपाही इस धरती माँ की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने शहादत प्राप्त की है। गर्व से अपने छाती पे गोली खाई होगी तेरे उस भाई ने, और चिंगारी वादा करती है कि तेरे ऊपर कभी भी आँच नहीं आने देगी, कभी भी आँच नहीं आने देगी बेटा, कभी भी आँच नहीं आने देगी। और हर रक्षाबंधन ये चिंगारी आएगी तुझसे राखी बंधवाने के लिए, जरूर आएगी मेरी बहन, और अपने भाई होने का फर्ज भी अदा करेगी। भाई मेरी बहन तू भी गा, और हमेशा खुश रहे, चिंगारी का आशीर्वाद है तेरे ऊपर, हमेशा खुश रहे मेरी बहन, हमेशा खुश रहे।